सुकर को गरीब ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका तथा पशु प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। सुकर क्षेत्र में देश की ग्रामीण जनता की आजीविका की स्थिति को बढ़ाने की काफी संभावना है। सुकर पालन शुरू करने के लिए किसानों के लिए अच्छी फीड रूपांतरण दक्षता, कम पीढ़ी अंतराल और अपेक्षाकृत कम स्थान की आवश्यकता इसके प्रमुख आकर्षण हैं। बैकयार्ड प्रणालियों में किसान मुख्य रूप से सुकर पालन के पारंपरिक तरीके का पालन कर रहे हैं। सुकर पालन से लाभ के लिए किसानों के लिए सुकर पालन में वैज्ञानिक जानकारी आवश्यक है। गुवाहाटी के रानी में सुकर पर ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2002 में सुकर उत्पादन और स्वास्थ्य पर सूचनाओं के भंडार के रूप में और अनुसंधान एवं ग्राहक समूहों के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने के लिए की गई थी। संस्थान में 600 से अधिक पशुओं का एक सुकर फार्म और अनुसंधान कार्यों को करने के लिए विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं शामिल हैं। संस्थान वैज्ञानिक कर्मचारी वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के लिए शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने के लिए काम करता है। संस्थान किसानों, उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों के लिए वैज्ञानिक सुकर पालन पर लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने और अपनाने से सुकर पालन से होने वाली आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। संस्थान ने सुकरों के स्वदेशी जर्म प्लाज्म के संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। सुकर पालन में लाभ का निर्धारण करने वाले कारकों में से एक किसानों द्वारा पाला गया नस्ल है। 6 से 8 महीने में एक सुकर द्वारा प्राप्त वजन और उत्पादित पिगलेट्स की संख्या नस्ल से नस्ल में भिन्न होती हैं। इसलिए एक किसान को बेहतर प्रदर्शन के साथ सुकर खरीदने चाहिए और वो स्थानीय पर्यावरणीय स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। मोटे तौर पर भारतीय सुकर की आबादी 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें स्वदेशी, विदेशी और क्रॉस ब्रेड के नाम से जाना जाता है। घुंगरू, न्यांग मेघा, डूम, टेनी वॉय, अगोंडा गोयन, निकोबारी पिग और जुबाक जैसी देशी नस्लों को अच्छी तरह से गर्म और आर्द्र वातावरण के अनुकूल पाया जाता है और इनमें बेहतर रोग सहिष्णुता माना जाता है। आमतौर पर ये सुकर छोटे आकार के होते हैं। विदेशी नस्लें वो हैं जिन्हें अन्य देशों से आयात किया गया है। हैम्पशायर, ड्यूरोक और बड़े सफेद यॉर्कशायर इसके उदाहरण हैं। इन नस्लों का उपयोग हमारे देश में पिछले दिनों क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रमों के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था। विदेशी सुकरों के साथ देशी सुकरों की क्रॉस ब्रीडिंग का अभ्यास बेहतर प्रदर्शन के साथ क्रॉस ब्रेड विकसित करने के लिए किया जाता है। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग ने रानी और आशा नाम की 2 क्रॉस ब्रेड किस्में विकसित की। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्रों द्वारा 7 अन्य क्षेत्र विशिष्ट क्रॉस ब्रेड किस्में भी विकसित की गई हैं। कृषकों को जर्म प्लाज्म की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संगठित फार्मों से सुकर खरीदने चाहिए। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग रानी गुवाहाटी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर्स और मेगा सीड सेंटर जैसे पूरे देश और राज्य के डिपार्टमेंट फार्म जरूरत के आधार पर किसानों को बेहतर पिगलेट उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार, मोर नाम आइकन सरगारी, मोहजन पारा आत्मसहायक ग्रुपर सदस्य। आमार 12 ग्रुप আছে আৰু কি বুলগা NRC ফার্মৰ পৰা ৰানীৰ পৰা গাহৰি 12টা পাইছো আৰু তাৰ পৰা দানাও দিয়ে মাহে মাহে আৰু আমি 2 টাইমকে দানা দিওঁ, 2 টাইমকে চাফা কৰোঁ আৰু গাহৰিবিলাকৰ ধৰিলোঁ জ্বৰ বা বেমাৰ হাগা বমি হ'লে ছাৰহঁতক খবৰ দিওঁ, খবৰ দিলে
দানা দিয়ে বেজি দিয়া কে আহে বা ঔষধ দিয়ে দি পঠিয়াই কিবা বেমাৰ হ'লে কিবা হ'লে তাৰপৰা সহায় কি বুলি কয় চোৱা চিতা কৰি যায় বেজি দি যায়। এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি কটা ডাঙৰো হৈ আহিছে, আজি 5 মাহমান হ'ল। শুকৰ পালন শুরু কৰিবৰ কাৰণে শুকৰ ঘৰ কা নিৰ্মাণ বুনিয়াদী আৱশ্যকতাও মে সে এক হে। আৱাস শুকৰো কো কঠোৰ মৌচম কি স্থিতি সে বচাতা হে আৰু জানৱৰো কো বেহতৰ উৎপাদক বনানে কি অনুমতি দেতা হে। শুকৰ ঘৰো কা নিৰ্মাণ পানী বিজলী সড়ক আৰু বজাৰো তক পহঁচ কি উচিত প্ৰাৱধান কে সাথ কিয়া জানা চাহিয়ে। ভৱন কা নিৰ্মাণ তীব্ৰ প্ৰকাশ সে সুৰক্ষা কে লিয়ে উত্তৰ দক্ষিণ দিশা মে আপনি লম্বী ধুৰি কে সাথ কিয়া জানা চাহিয়ে। কিষান কে ঘৰ সে ন্যূনতম 8 से 10 মিটার কি দূৰি কা প্ৰাৱধান আৱশ্যক হে। অচ্ছে ভেণ্টিলেশন আৰু পৰ্যাপ্ত ছায়া কে সাথ শুকৰো কে লিয়ে ঘৰ আৰামদায়ক হোনা চাহিয়ে। উৎপাদন চক্র কি প্রত্যেক চরণ কে লিয়ে ভবন কো অলগ অলগ প্যান মে বিভাজিত করনে কি আবশ্যকতা হোতি হে। জেসে কি উইনার উৎপাদক গর্ভবতী আর স্তনপান করানে ওয়ালি মাদা নর আর মাদা উৎপাদকো কো অলগ অলগ শৈলী মে রাখা জানা চাহিয়ে। সভি শুকরো কো লেটনে কে লিয়ে পর্যাপ্ত স্থান উপলব্ধ করা জানা চাহিয়ে। সাথ হি উৎসর্জন আর অন্য গতিবিধি কে লিয়ে 20 से 60% অতিরিক্ত স্থান দেনা চাহিয়ে। শুকরো কি বিভিন্ন শ্রেণী কে লিয়ে মানক স্থান কি আবশ্যকতা ইহাঁ দিখাই গই হে। ব্যায়াম কে লিয়ে শুকর কো পর্যাপ্ত স্থান দিয়া জানা চাহিয়ে। জব শুকর খড়ে হোতে হ্যাঁ কম সে কম আধা মঞ্জিল ক্ষেত্র দিখাই দেনা চাহিয়ে। ফর্শ কো গ্যার ফিসলন ওয়ালা বনা জানা চাহিয়ে আর ফার্ম কে জল নিকাশী কি সুবিধা কে লিয়ে ফর্শ ঠিক সে ঝুকা হোনা চাহিয়ে। ফর্শ কো ড্যাম্পনেস সে ভি মুক্ত হোনা চাহিয়ে আর সরীসৃপ চুহো আদি কো রোকনে কে লিয়ে জমিন কে স্তর সে উপর মঞ্জিল কো উঠানা ভি মহত্বপূর্ণ হ্যাঁ। দিওয়ারে পর্যাপ্ত মজবুত হোনি চাহিয়ে আর নর কে লিয়ে ফর্শ সে 4 ফিট আর মাদা কে লিয়ে 3 ফিট কি উঁচাই হোনি চাহিয়ে। শেড মে ঠন্ড তনাব প্রবন্ধন কি ব্যবস্থা মুখ্য রূপ সে পিগলেট কে লিয়ে কি জাতি হ্যাঁ। পেন মে সভি শুকরো কো এক সাথ খানে কি অনুমতি দেনে কে লিয়ে ফিডার স্পেস পর্যাপ্ত হোনা চাহিয়ে। 2.5 ফিট কা গর্ত স্থান ইষ্টতম হোতা হ্যাঁ। শুকরশালা কে নির্মাণ আর বেহতর নসল কে শুকরো কো ফার্ম মে লানে কে বাদ জো প্রমুখ পহলু হর কিষান কো দিখতা হ্যাঁ ও হ্যাঁ পোষক তত্ত্বো সে ভরপুর ফিড সংসাধনো কি উপলব্ধতা। চুঁকি শুকর পালন কি কুল লাগত কা 70% সে অধিক কে লিয়ে ফিড খাতা হ্যাঁ। ফিড অবয়বো কো বনাতে আর চুনতে সময় পর্যাপ্ত ধ্যান দিয়া জানা চাহিয়ে। চুঁকি শুকর গ্যার জুগালি করনে ওয়ালে জানোয়ার হ্যাঁ ইসলিয়ে ও রেশেদার ফিড কা প্রভাবী ঢঙ্গ সে উপযোগ নহীঁ কর সকতে হ্যাঁ জেসা কি মবেশী করতে হ্যাঁ। ইসলিয়ে রাশন মে অধিক কনসেন্ট্রেট আর কম মাত্রা মে ফাইবার হোনে চাহিয়ে। শুকরো কে লিয়ে দিন মে 2 বার চারা দিয়া জানা চাহিয়ে। অলগ অলগ বডি ওয়েট কে সাথ স্টার্টার গ্রোয়ার ফিনিশার অ্যাডাল্ট বোর আর ল্যাকটেটিং গিল্ট কে লিয়ে পোষক তত্ত্বো কি আবশ্যকতা কাফি ভিন্ন হোতি হ্যাঁ। যুবা শুকরো কো হর সময় উনকে লিয়ে তাজা ভোজন উপলব্ধ হোনা চাহিয়ে। নর কি তুলনা মে মাদা কো প্রতিদিন কম ঊর্জা ওয়ালি ফিড দি জানি চাহিয়ে। ইসলিয়ে সভি কো সমান মাত্রা মে খিলানে কি বজায় নস্ল শরীর কে ওজন আর বৃদ্ধি অবস্থা কে অনুসার ফিড মাত্রা কো সমায়োজিত করে। ফিড কো ঊর্জা প্রোটিন ভিটামিন আর খনিজো কে সাথ সন্তুলিত কিয়া জানা চাহিয়ে। ইয়ে শুকরো কে বিকাশ মে সুধার করেগা আর খিলানে কি লাগত কো কম করেগা। গর্ভবতী কো প্রতিদিন 2 কিলোগ্রাম ফিড খিলায়া জানা চাহিয়ে। স্বাইন ফিডিং মে ইস্তেমাল হোনে ওয়ালে পারম্পরিক ঊর্জা আপূর্তিকর্তাও মে চাউল কি ভুসি গেহু কা চোকর চাউল কি পলিশ মক্কা কা দানা টুটে হুয়ে চাউল আদি শামিল হ্যাঁ। পারম্পরিক প্রোটিন আপূর্তিকর্তা জিনহেঁ শুকর কে আহার মে শামিল কিয়া যা সকতা হ্যাঁ ও হ্যাঁ মুংফলি কেক সুখা মছলি পাউডার সোয়াবিন কেক সরসোঁ কেক অলসি কেক আদি আহার মে খনিজ মিশ্রণ কা প্রাবধান ভি ইষ্ট হ্যাঁ। শুকরো কি বিভিন্ন শ্রেণীও কে লিয়ে ফিড সূত্র তালিকা মে দিখাযা গয়া হ্যাঁ। ইন ফিড অবয়বো কো দরদরা করকে ডালনা আর ফিড মিল মে
एक उपयुक्त अनुपात में मिश्रित करना होता है। पोषण की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना सस्ती लागत में फीड की मांग को पूरा करने के लिए गैर पारंपरिक फीड संसाधनों को भी फीड में शामिल किया जा सकता है। इनमें कोलोकेसिया, केला स्यूडोस्टेम, टेपियो का कंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, मोरिंगा के पत्ते, आलू, शकरकंद, जलीय पौधे जैसे जल जल कुंभी, अजोला आदि शामिल हैं। मेवा उद्योग, तेल निष्कर्षण उद्योग, डेयरी उद्योग और मछली उद्योग के उप उत्पाद भी हो सकते हैं। किचन वेस्ट, बेकरी वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट से भी फीड कॉस्ट को कम किया जा सकता है। फीड प्रदान करते समय एक महीन मिश्रण की बजाय फीड में मोटी मिश्रण सामग्री की आपूर्ति करें। दूध पिलाने की गर्त को हमेशा साफ रखना चाहिए। नमस्कार, मोर नाम महेंद्र बरो। मोर बर्तमान गाहरी 12টা আছে, আগতে ল বেছিকে আছিল, মই বিক্রি করিলো বাকিখিনি। তার পিছত মই দানাটো নিজে বনাও, দানাটো বনাওতে কুচু দিও, পানিয়ালো দিও, আলু দিও, শুকান মাছ দিও আর মাকৈ দিও। তার পিছত রেডিমেড দানা অলপ দিও, গডরেজ ফিডটো মই দানার দামটো কমাবার কারণে, বর্তমান তো দানার দাম বহুত বাড়ি আছে, সেইটো মই কমাবার কারণে নিজে বনাওর দানাটো। দানার লগত আর মই মর্নিং টাইমত এই মিনারেল মিক্সারটো মিক্স করো, ডাঙরও অল্প বেশিকে দিও, মোর হিসাবের মতেই দিও আর সরুটো অল্প কম দিও। আর ইভিনিং টাইমত মই সার্কোফেরলটো ইউজ করো, সেটাও মই ডাঙর সরুটো চাই কিনে মিক্স করো। আর ফিড সামগ্রী যে এক বিশেষ সময় মে প্রচুর মাত্রা মে হ্যায়, উসে কম অবধি কে লিয়ে সাইলেজ বানাকর সংরক্ষিত কিয়া যা সকতা হ্যায়। টেপিও কা কন্দ কে সাথ और सब्जी वेस्ट का उपयोग करके भी सैलेज तैयार किया जा सकता है। सैलेज बनाने में अलग अलग चरण शामिल हैं। सब्जी के वेस्ट का उपयोग करके सैलेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाजार से सब्जी वेस्ट को इकट्ठा करना होगा। एकत्रित सामग्रियों को अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और 3-4 घंटों के लिए धूप में सुखाया जाना चाहिए। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ को छोटे टुकड़ों में काटा जाना चाहिए और 3% गुड़ के साथ मिला जाना चाहिए। इसका मतलब है, अगर हम 100 किलोग्राम वेस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो इसे 3 किलोग्राम गुड़ के साथ मिलाएं, फिर 0.25% नमक भी डालें, यानी 100 किलोग्राम वेस्ट के लिए 250 ग्राम नमक मिलाएं। पूरी तरह से मिलाने के बाद इसे एयर टाइट कंडीशन में सिलेज बैग या मोटी पॉलिथिन शीट में पैक कर दें, 21 दिन तक रखें, फिर सामग्री खिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। सिलेज बैग खोलने के बाद सामग्री 2-3 दिनों के भीतर समाप्त होनी चाहिए। 1 किलो चावल की पॉलिश या चावल की भूसी के साथ 2 किलो सब्जी पेस्ट, 100 ग्राम तेल का केक या फिश मील और साथ में 2 चम्मच खनिज मिश्रण प्रतिदिन प्रति व्यस्क सुकर उत्पादन आवश्यकता को पूरा करेगा। प्रजनन उद्देश्य के लिए जानवरों का चयन उचित देखभाल के साथ किया जाना चाहिए। लंबे बेलनाकार शरीर के सुकर को प्रजनन के लिए पसंद किया जाता है। आमतौर पर 6 महीने की उम्र में अधिकतम वजन वाले जानवरों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रजनन सुकर को सक्रिय दिखना और रोगों व शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए। चयनित गिल्ट्स में कम से कम 6 जोड़ी कार्यात्मक टिट्स, शरीर की पर्याप्त लंबाई व गहराई तथा मोटी अच्छी तरह से कसी हुई हेम और प्रमुख गर्दन होनी चाहिए। पिछले फैरोइंग में अच्छे लिटर संख्या और वजन वाले इतिहास को प्रजनन के लिए पसंद किया जाता है। अनावश्यक संभोग से बचने के लिए नर और मादा के लिए अलग अलग आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। करीबी सुकरों के बीच संभोग अवसाद को रोकने के लिए परहेज किया जाना चाहिए। गिल्ट की पहली गर्मी को संभोग के बिना छोड़ दिया जाना चाहिए। संभोग या एआई को गिल्ट की दूसरी गर्मी पर किया जाना चाहिए। व्यस्क मादा में वीनिंग के तुरंत बाद वाली हीट पर संभोग किया जाना चाहिए। 1-2 सप्ताह पर संभोग या एआई से मादा को अतिरिक्त फीड दें
और संभोग या एआई के बाद सामान्य फीड दें। हीट डिटेक्शन को रिफ्लेक्स से पता किया जा सकता है। यही कारण है कि अगर पीठ पर दबाव डाला जाए तो मादा भी खड़ी रहेगी। पशु की बेचैनी, सूजन और लाली वल्वा और स्त्राव भी गर्मी के लक्षण हैं। संभोग के लिए मादा को बोर पर ले जाएं। जब भी खड़ी गर्मी का पता चले तो प्राकृतिक संभोग को अधिमानत किया जाना चाहिए। प्राकृतिक संभोग के लिए प्रयुक्त सूकर मादा के आकार के समान होना चाहिए। यदि कृत्रिम गर्भाधान पसंद किया जाता है तो विश्वसनीय स्रोत से प्रजातियां विशिष्ट वीर्य का उपयोग करें। अच्छी गुणवत्ता वाला वीर्य प्रतिष्ठित वीर्य प्रसंस्करण केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। एआई का अभ्यास डॉक्टर, पैरावेट्स या प्रशिक्षित किसान कर सकते हैं। एआई को गिल्ट में गर्मी के पहले दिन और साओ में गर्मी के दूसरे दिन पर करना चाहिए। फैरोइंग की तारीख पाने के लिए संभोग या एआई की तारीख रिकॉर्ड करने के लिए मत भूलें। नमस्कार, मोर नाम बिनीता लाकर, मैं यहाँ 45 जनी गाहरी पुहिसु। तारे दुजनी दुजनी ये करा हुई से, ये करा गाहरी के जनी पवन दास सारे हमार ये करे दिसे। रानी सेंटर पर आ सीमेंट आने की ने ये करे दिसे। आरु गाहरी हमार हमारे मते सफा करी रखे, दुबार सफा करा है। स्वस्थ जानवरों को पाने के लिए गर्भवती जानवरों की देखभाल और प्रबंधन ठीक से किया जाना चाहिए। पशु को उदारतापूर्वक खिलाया और दयालु व्यवहार करें। गर्भवती जानवरों को दूसरों से अलग रखें। गर्भावस्था के अंतिम 3 सप्ताह तक स्टीमिंग अप राशन दें। एक अतिरिक्त 500 ग्राम फीड प्रतिदिन प्रति पशु प्रदान करें ताकि बच्चे भारी हों। फैरोइंग से 2 सप्ताह पहले उन्हें कृमिनाशक दें। गर्भवती पशु को फैरोइंग से कम 8 से 10 दिन पहले एक अलग पैन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कवर्ड क्षेत्र की तहत कटा हुआ पुआल का एक बिस्तर प्रदान करें ताकि मादा माता के व्यवहार का प्रदर्शन कर सके। 60% से अधिक फैरोइंग रात या सुबह के समय होती है, इसलिए कुचलने, ठंड लगने आदि से होने वाले पिगलेट को नुकसान से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होती है। नवजात पिगलेट को भ्रूण की झिल्लियां और तरल पदार्थों से साफ किया जाता है, खासकर मुंह, नाक, कान और शरीर के अन्य अंग। फैरोइंग के बाद गुनगुने पानी से मादा के पिछले हिस्से को साफ करें। अंदर की त्वचा को आयोडीन आधारित त्वचा एंटीसेप्टिक के साथ छिड़का जाना चाहिए। मादा को उसके अपरा खाने से रोकें। मादा से कोलेस्ट्रम प्राप्त करने के लिए पिगलेट की सहायता करें। कोलेस्ट्रम पहला दूध है जो फैरोइंग के बाद मिलता है। फैरोइंग के बाद मादा को अपना पहला भोजन 12 घंटे पश्चात प्रदान किया जाना चाहिए। पिगलेट्स के लिए पर्याप्त दूध उत्पादन के लिए स्तनपान कराने वाली मादा के लिए पर्याप्त संतुलित पोषण प्रदान करें। नवजात पिगलेट्स की गर्भनाल को शरीर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा जाना चाहिए और आयोडीन के घोल या किसी अन्य हल्के एंटीसेप्टिक के साथ कीटाणु रहित करना चाहिए। पिगलेट्स के सभी 4 सुई दांतों को 2 दिनों की उम्र के भीतर तेज सरोता की मदद से काटना चाहिए। पिगलेट एनीमिया को रोकने के लिए जन्म के 4वें और 14वें दिन पिगलेट्स को आयरन इंजेक्शन इंट्रामस्क्यूलर रूप से दिया जाता है। एक फार्म में अलग अलग जानवरों की पहचान बहुत आवश्यक है। इसके लिए कान की टैगिंग करनी चाहिए। नवजात दस्त के उपचार हेतु मौखिक पुनर्जलीकरण प्रदान किए जाते हैं। नर पिगलेट के मामले में फैटिरन सूक्रों में 14 से 20 दिनों की उम्र में कास्ट्रेशन किया जाना चाहिए। छोटे या अनाथ पिगलेट में मादा का दूध लेने का अवसर बहुत कम है या नहीं है, इसलिए इन्हें क्रॉस फॉस्टर्ड या कृत्रिम दूध दिया जाना चाहिए। क्रीप फीडिंग
पिगलेट को एक ठोस आहार खिलाने का अभ्यास है जब वो दूध पी रहे होते हैं। इस दौरान वो अपने पाचन तंत्र को तैयार करते हैं। क्रीप फीड क्रीप क्षेत्र में परोसा जाता है ताकि मादा इस फीड तक पहुंच न पाए। क्रीप फीडिंग 15 दिनों से शुरू की जा सकती है। एक बार जब पिगलेट पर्याप्त मात्रा में ठोस आहार लेना शुरू कर देते हैं तो उन्हें अपनी मां से अलग करना चाहिए। इसे वीनिंग के रूप में जाना जाता है। समय पर किया गया है। नमस्कार, मोर नाम श्री सेन बर्मन। गाहरी जी आमी पुहिसो ए गाहरी जेते प्रेगनेंसी होय तार पिसोट जेते पोली दिबो पोली टू दियार पिसोट आमी सारि दिनर भितरत आयरन इंजेक्शन तो दिउ आरो समय समय वैक्सीन तो आमी व्यवहार करो सार लय फेल आरो यार जेतु खाद्य माने दिउ यार মলিনতাখানি মানে মানে লেতেৰা যিখিনি মলিনতা ইয়াত আমি পুখুৰীত পানীত পেলাই দিওঁ ফিচাৰীত আৰু সেই পানীত পেলোৱাৰ পিছত মাছে খায় আৰু সেই খাদ্যটো মাছৰ পৰা আমি মানে তাৰ লাভৱান পাই আছোঁ। আমি এক্সট্ৰা মাছক খাদ্য নিদিওঁ। এণ্ডোপেৰাছাইটছ কে নিয়ন্ত্ৰণ কে লিয়ে ডিৱৰ্মিং কৰনা পৰতা হে জেছা কি ইয়াহাঁ দিখা গয়া হে উসকে লিয়ে निर्धारित कार्यक्रम का पालन किया जा सकता है। 3 महीने में एक बार नियमित रूप से कृमिनाशक पीने से गैस्ट्रो एंथ्रो परजीवियों की घटना को रोका जा सकेगा। एक्टोपैरासाइट्स जैसे टिक्स माइट्स और जू के नियंत्रण के लिए भी कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर यह जानने के लिए जानवरों की हर रोज सावधानी से जांच करना महत्वपूर्ण है। रोगों की उचित जांच के लिए पशु चिकित्सकों से परामर्श आवश्यक है। किसी भी बीमारी का होना पशु की उत्पादकता को प्रभावित करता है जिससे फार्म का आर्थिक उत्पादन प्रभावित होता है। रोगग्रस्त जानवरों को झुंड से अलग किया जाना चाहिए। उच्च जोखिम वाले रोग से पहचाने जाने वाले जानवरों को तुरंत ही कलिंग करना चाहिए। अच्छे रिटर्न को सुनिश्चित करने के लिए सुकर फार्म का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। फार्म संचालन का उचित रिकॉर्ड रखने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। अलग अलग श्रेणियों के सुकरों के रिकॉर्ड को व्यक्तिगत रजिस्टर में बनाए रखा जाना चाहिए। वंशावली रिकॉर्ड जिसमें एक व्यक्तिगत सुकर के माता पिता का विवरण होता है को भी बनाए रखना पड़ता है। फीडिंग झुंड की ताकत प्रजनन कृत्रिम गर्भधान संभोग फैरोइंग वीनिंग उपचार बिक्री और कलिंग का विवरण रजिस्टरों में ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बचने के लिए जानवरों को बीमा के तहत कवर किया जाना चाहिए। सुकर पालन से होने वाले खर्च और रिटर्न की गणना बेहतर प्रबंधन के लिए साल में कम से कम 2 बार करनी होती है। मत्स्य पालन और बागवानी फसलों के साथ एकीकृत खेती सुकर पालन के लिए स्थायी विकल्पों में से एक है। अस्वच्छ कृषि वातावरण के कारण होने वाली समस्याओं से बचने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन को सबसे अधिक देखभाल के साथ किया जाना चाहिए। खेत और उसके परिसर को दिन में
कम से कम दो बार नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। सुकरों की नियमित सफाई भी की जानी चाहिए। मल पदार्थ, मूत्र और बचे हुए फीड का उचित निपटान किया जाना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी तरीके खुले खाद, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र आदि हैं। मृत पशुओं का उचित निपटान भी आवश्यक है। फार्मी कमसर गाहरी कूदि मई प्रपे सुरु तार माने ताते गोबर खेर आरो आहै गासर माटी हेकिजा भराय फलाय गाहरी ए मुलि दि तार माने सब वस्तु तार माने फार्मी कमसर भराय ताने खार बनौम ए खार बनाय ताने परखे करू जेने माटी हे इत्या मई वर्तमान हेतुइ दि चलि आसु सरकार खार बेभर न कराके সবেই এনেকুৱা করিলে অলপ ভাল হয়। গাহৰি পাঁচটা আছে মোৰ, সেইটো গোবৰে দি মই ফাৰ্মি পেকেট প্ৰভাৱ কৰে আৰু খেতিত লগো। আমি খেতিটো উন্নত পাইছি, পচন সাৰ কৰি আমি তাৰমানে প্ৰফেক কৰোঁ। ব্লিচিং পাউডাৰ ইয়াত চুনা পাথৰ পাউডাৰ কে সাথ পৰিসৰ কি কীটাণু শোধন কি সিফাৰিশ কি জাতি হে। উপয়োগ কিয়ে গয়ে বেড কো হটা দিয়া জানা চাহিয়ে और नियमित रूप से जला दिया जाना चाहिए। फार्म में काम करते समय किसानों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अलग कपड़े और पैरों में पहनने के लिए अधिमानत जूतों की आवश्यकता होती है। सुकर फार्म पर काम करने के बाद हाथों की उचित सफाई वांछनीय है। इस तरह की छोटी सावधानियां सुकर पालन को सफलतापूर्वक चलाने में मदद कर सकती हैं। सुकर पालन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में प्रश्नों का उत्तर आपके स्थान पर पशु चिकित्सकों द्वारा दिया जा सकता है या आप रानी गुवाहाटी में सुकर पर ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों से भी संपर्क कर सकते हैं। इन सभी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाने से सुकर पालन को अधिक टिकाऊ और लाभदायक कृषि क्षेत्र में बदल दिया जाएगा, जो उन लोगों की आजीविका की स्थिति में सुधार करता है जो इस पर निर्भर हैं।